अथ द्वाविंशो अध्याय शिव के वृषेश्वरावतार वर्णन के प्रसंग में समुद्र मंथन की कथा। नंदीश्वर उवाच। धनी सारे गागा मारे निधसासा, धनी सारे गागा मारे निधसासा, मापा धनी पापा। शेषाख्यं मुनीश्वर शिवावतारं सलीलं हरिगर्वहरं वरम्। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मसुत, हे प्राज्ञ, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान विष्णु के अहंकार को नष्ट करने वाले तथा श्रेष्ठ लीला से परिपूर्ण शिव जी के विशेश्वर नामक उत्तम अवतार को सुने। पुरा देव असुर सर्व जरा मृत्यु भयार्दिता, परस्परं च संधाय प्रत्यान्यादित सवभवन। पूर्व समय में जरा एवं मृत्यु से भयभीत हुए देवताओं एवं असुरों ने आपस में संधि कर समुद्र से रत्न ग्रहण करने का विचार किया। ततः सुरः सुरः सर्व क्षीरोदं सगरोत्तमं उद्यतामथितुं तं च बभूर्मुनिनन्दन। हे मुनिनंदन, तदंतर सभी देवता और असुर समुद्रों में श्रेष्ठ क्षीर सागर को मथने के लिए उद्यत हुए। आसन सुखी स्मित सर्व खेदम मंथनम पवे स्वकार्य सिद्धये तस्य ब्रह्मनीति सुरासुरः। हे ब्राह्मण, मधुर मुस्कान वाले सभी देवता तथा असुर अपनी कार्य सिद्धि के लिए विचार करने लगे कि किस उपाय से उस क्षीर सागर का मंथन किया जाए। तदा न भूगता वाण मेघ गंभीर निस्वना उवाच देवादित्यांश्च श्वसयन्ति स्वराज्ञया। तब मेघ के समान गंभीर ध्वनि से युक्त आकाशवाणी शिव जी की आज्ञा से देवताओं तथा असुरों को आश्वस्त करती हुई कहने लगी। नभो वाणी उवाच। हे देवासुराश्चैव मथत्वं क्षीर सागरम भविष्य। आकाशवाणी बोली, हे देवगणों, हे असुरों, आप लोग क्षीर सागर का मंथन कीजिए। इस कार्य के लिए आप लोगों को बल और बुद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मंदरम च मंथन रजुं कुरुत्वा सुखिं मिथ सर्वे मिलित्वा तु मंथनम कुरुतादरात्। आप लोग मंदराचल पर्वत को मथानी एवं वासुकी नाग को रस्सी बनाइए और सभी लोग आपस में मिलकर आदर पूर्वक मंथन कीजिए। नंदीश्वर उवाच। नभोगतं तदावाण निशम्यात सुरसुरः उद्योगं चक्रे सर्वे ककर्तुं मुनिसत्तमान। नंदीश्वर बोले, हे मुनिसत्तम, तब आकाशवाणी सुनकर सभी देवता तथा असुर ऐसा कार्य करने के लिए प्रयत्न करने लगे। सुसंध्याया केलास्तेव मंदरम पर्वतोत्तमम कनकाभम च शरणम नाना शोभचितम ययुः। वे सब आपस में मिलकर सोने के समान कांति वाले ऋजुकाय तथा नाना प्रकार की शोभा से संपन्न पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल के समीप गए। सुप्रसाद्य गिरीशं तदा ज्ञप्तः सुरसुरः उस गिरीश्वर को प्रसन्न करके तथा उसकी आज्ञा प्राप्त कर उसे क्षीर सागर में ले जाने की इच्छा वाले देवताओं तथा असुरों ने बलपूर्वक उसे उखाड़ लिया। हे मुने, अपनी भुजाओं से मंदराचल को उखाड़कर वे सब क्षीर सागर के पास जाने लगे, किंतु क्षीण बल वाले वे उसे ले जाने में असमर्थ हो गए। तद्भुजहि सपरि भ्रष्ट पतितो मंदरो गिरिः सहसाति गुरुः सद्यो देव दैत्य परिध्रुवम्।
अत्यंत भारी व मंदराचल अकस्मात उनकी भुजाओं से छूटकर शीघ्र ही देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। एवं भग्न दमाभग्न संभूव सुरसुर चेतन जगदीश्वरम। तब भग्न उद्यम वाले देवता तथा असुर आहत हो गए और फिर कुछ समय बाद चेतना प्राप्त कर जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। इसके बाद जगदीश्वर की इच्छा से उद्दत हुए उन सब ने उस पर्वत को पुनः उठाकर क्षीर सागर से उत्तरी तट पर ले जाकर जल में डाल दिया। तदनंतर रत्न प्राप्त करने की इच्छा वाले देवता तथा असुर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। क्षीरोदे मत माने तू श्री स्वर्लोक महेश्वरी समुद्भूत समुद्राश्च विगुपुत्री हरि प्रिया धन्वंतरि शशंकश्च पारिजातो महाद्रुमः कालकूट महाविषम युगांतानरं जातं तुरासुर भयावहम्। क्षीर सागर का मंथन किए जाने पर स्वर्गलोक की महेश्वरी भृगुपुत्री हरिप्रिया महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। उसके बाद धन्वंतरी चंद्रमा पारिजात कल्पवृक्ष उच्चैःश्रवा घोड़ा ऐरावत हाथी सुरा विष्णु का चांद्र धनुष शंख कामधेनु गोवृंद कौस्तुभ भ्रमणी तथा अमृत उत्पन्न हुए। पुनः मथे जाने पर प्रलयकालीन अग्नि के समान कांति वाला और देवताओं तथा असुरों का भय उत्पन्न करने वाला कालकूट नामक महाविष उत्पन्न हुआ। पीयूष जन्म काले बिंदवो ये बहिर्गता समुद्भूता बहो ह्यद्भुत दर्शन चरत पूर्णेन्दु वंदना स्तरित सूर्य नल प्रभा हर केयूर काटा दिव्य रत्न अलंकृत लावण्यामित दोयेन तह सिंचन्त्य दिशो दश अमृत उत्पन्न होने के समय उसकी जो बूंदे बाहर छलक पड़ी उनसे अद्भुत दर्शन वाली बहुत सी स्त्रियां प्रकट हुई। वे शरदकालीन पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली बिजली सूर्य तथा अग्नि के समान प्रभाव वाली और हार बाजूबंद कटक तथा दिव्य रत्नों से अलंकृत थी। वे अपने सौंदर्य रूपी अमृत जल से दसों दिशाओं को सींच रही थी और अपने भ्रू विलास के कारण विस्तीर्ण नेत्रों वाली वे संसार को उन्मत्त कर रही थी। इस प्रकार उन अमृत की बूंदों से स्वेच्छा करोड़ों स्त्रियां निकली। तदनंतर जरा और मृत्यु को दूर करने वाला अमृत उत्पन्न हुआ। लक्ष्मीं शङ्खं कौस्तुभं च खड्गं जग्राह केशवः जग्राहार कुहयं दिव्य मुचः श्रवसमादरात् पारिजातं तरुवार मैरावतमिधेश्वरं शचीपातिश जग्राह निर्जरेशु महागरात्। लक्ष्मी शंख कौस्तुभ मणि एवं खड को श्री विष्णु ने ग्रहण किया। सूर्य ने बड़े आदर के साथ दिव्य उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा ले लिया। देवताओं के स्वामी शचीपति इंद्र ने अत्यंत आदर पूर्वक वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात एवं हाथियों के राजा ऐरावत को ग्रहण किया। कालकूटम शशांकं च देवत्राणाय शंकरः स्वकंठे कृतवान् शंभो चैक्षया भक्तवत्सल। भक्तवत्सल तथा कल्याणकारी शिव जी ने देवताओं की रक्षा के लिए कंठ में महाभयंकर कालकूट विष को तथा चंद्रमा को मस्तक पर स्वेच्छा से धारण किया। ईश्वर की माया से मोहित हुए दैत्यों ने आनंद प्रदान करने वाली मदिरा ग्रहण की। फिर हे व्यास सभी मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। जग्रीहुर्मुनयः सर्वे कामधेनुम् मुनीश्वरः
सभी मुनिगणों ने कामधेनु को ग्रहण किया और मोहित करने वाली वे स्त्रियाँ सामान्य रूप से स्थित रहीं। अमृतार्थे महायुद्ध संबभूव जयेशुणम सुराणाम सुराणाम च मिथ संक्षुब्ध चेतसा। विजय की अभिलाषा वाले तथा व्याकुल चित्त वाले देवताओं एवं राक्षसों में अमृत के लिए परस्पर महान युद्ध हुआ। हृतम सोमम च दैते यत् बलाते वनजित्य च बलि प्राभृत भिर्व्यास युगान्ताम् निर्घसुभ भय। हे व्यास, प्रलयकालीन अग्नि तथा सूर्य के समान महान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवगणों को जीतकर उनसे अमृत छीन लिया। देवः शंकर मापन्न विह्वलः शिव मायया सर्वेषां कदयस्तात् गतयै दतिता बला ततस्तमृतं यत्नात् त्रिस्वरूपेण मायया शिवाज्ञय रमेशेन गतिभ्यश्च हृतं मुने। हे तात्, तदंतर शिव की माया से दैत्यों के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित किए गए इंद्रादि सभी देवता व्याकुल होकर शिव जी की शरण में आए। हे मुने, तब शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने माया से स्त्री रूप धारण कर बड़े यत्न से दैत्यों से उस अमृत को छीन लिया। तत्पश्चात मायावियों में श्रेष्ठ मोहिनी स्त्री रूपधारी विष्णु ने समस्त दैत्यों को मोहित कर वह अमृत देवगणों को पिला दिया। गत्वानी कटमेतस्य उचिरे दति पुंगवा पाययस्व सुधामेता ममुपेदोत्र पंक्तिषु। तब उस मोहिनी रूप वाली स्त्री के पास जाकर उन श्रेष्ठ दैत्यों ने कहा, इस सुधा को हम सभी दैत्यों को भी पिलाओ जिससे किसी प्रकार का पंक्ति भेद न हो। ऐसा कहकर शिव माया से मोहित हुए उन सभी दैत्यों एवं दानवों ने कपट रूप धारी उन विष्णु को वह अमृत दे दिया। इसी बीच में वरिष्ठ दैत्य अमृत से उत्पन्न स्त्रियों को देखकर उन्हें सुख पूर्वक यथास्थान ले गए। तासां पुराणि दिव्यानि स्वर्गच्छत गुणान्यपि घोरयन्त्रः सुगुप्तानि मया माया कृतानि च सुरक्षितानि सर्वाणि कृत्वा योद्धाय निर्ययुम् अस्पृष्टा वृक्षसो दैत्या कृत्वा सोमयमेव हि नस्पृशाम श्रियश्चेम यदि देव विनिर्जिता इत्युक्ता ते महावीर दैत्यः सर्वे युयुत्सवः सिंहनादं ततः शक्रु शङ्खान् दधु पृथक् पृथक् पूरयन्त इमाकाशं तर्पयन्तु बलाकान्। उन स्त्रियों के नगर स्वर्ग से भी सौ गुने मनोहर मैदानों की माया से विनिर्मित तथा सुदृढ़ यंत्रों से सुरक्षित थे। उन सभी को सुरक्षित करके उनका आलिंगन किए बिना ही वे दैत्य प्रतिज्ञा करके युद्ध हेतु निकल पड़े। यदि देवगण हमें जीत लेंगे तो हम इन स्त्रियों का स्पर्श भी नहीं करेंगे, ऐसा कहकर युद्ध की इच्छा वाले वे समस्त महावीर दैत्य आकाश को पुलित सा करते हुए तथा मेघों को तृप्त करते हुए पृथक पृथक सिंहनाद करने लगे और शंख बजाने लगे। युद्धं बभूव देवानां सुरः साहनिकरम् देवासो रक्षमातूनं प्रसिद्धं भुवनत्रये। देवगणों को असुरों के साथ तीनों लोकों में प्रसिद्ध देवासुर नामक भयानक संग्राम हुआ। जयं प्रापुः सुरः सर्वे विष्णुना परिरक्षितः दैत्यः पालयितास्तत्र हतः सामर विष्णुना दैत्यः सम्मोहिता देव विष्णुना च महात्मना हता वाशिष्ठ पातालं विवेशुर्विवराणि च। उस संग्राम में विष्णु के द्वारा सब प्रकार से रक्षित सभी देवताओं की विजय हुई। बहुत से दैत्य देवताओं और विष्णु के द्वारा मार डाले गए और शेष दैत्य भाग गए। कुछ दैत्यों को देवताओं तथा महात्मा विष्णु ने मोहित कर दिया। जो मरने से बचे वे पाताल एवं पृथ्वी विवरों में प्रवेश कर गए। अनुवाव्रजतान विष्णु चक्र पाणे महाबल पातालम परमं दत्वा संस्थितान् भीतवत्
महाबली विष्णु ने हाथ में चक्र लेकर अत्युत्तम पाताल में जाकर भयभीत होकर स्थित हुए उन दैत्यों का पीछा किया। एतस्मिन् अन्तरे विश्व दशार्मेत संभव अतः पूर्णद्वादन दिव्य रावण गर्वितः समोहितः काम बाण लिभे तत्र निवृतिम् ताभिश्च वरनारीभिः पीड्यमानो बभूवः। इस बीच विष्णु ने वहाँ पर अमृत से उत्पन्न हुई पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली तथा दिव्य सौंदर्य से गर्वित स्त्रियों को देखा और वे मोहित होकर वहीं पर उन श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ विहार करने लगे तथा उन्होंने वहाँ शांति प्राप्त की। ततो वै हरिपुत्रास्ते महाबल पराक्रमः महोपद्रवमाचेरु त्वर्गे भूमि च दुःखदम्। विष्णु ने उन स्त्रियों से श्रेष्ठ पराक्रम वाले तथा युद्ध करने में निपुण अनेक पुत्र उत्पन्न किए जिनके बल से सारी पृथ्वी कांप उठती थी। तत्पश्चात महाबलवान एवं पराक्रमी वे विष्णु पुत्र संपूर्ण पृथ्वी को कंपित करते हुए स्वर्गलोक तथा भूलोक में दुखद महान उपद्रव करने लगे। लोकोपद्रवमालक्ष्य निर्जरा मुनयोत् वै चक्रुर्निवेदनं तेषां ब्रह्माणि प्रणिपत्य च। सारे संसार में उनका इस प्रकार का उपद्रव देखकर मुनियों एवं देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनसे निवेदन किया। तक्षुत्वादयतान् ब्रह्म ययो कैलाश पर्वतम् तत्र दृष्ट्वा शिवं देवं प्रणनाम पुनः पुनः तुष्टावविमिते स्तोत्रज्ञतस्कन्दः कृतञ्जलि जय देव महादेव सर्वस्वामिनिति ब्रुवन्। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ प्रभु शिव जी को देखकर विनम्र भाव से अंजलि बांधे हुए उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा हे देव हे महादेव हे सर्वस्वामिन आपकी जय हो ऐसा कहते हुए अनेक स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा उवाच। देव देव महादेव लोकान् प्रभु उपद्रुतान् विष्णु पुत्र पातालस्तर विकारिभिः। ब्रह्मा बोले हे देव देव हे महादेव हे प्रभु पाताल में स्थित विकार युक्त तथा उपद्रवी विष्णु पुत्रों से संत्रस्त संपूर्ण लोकों की रक्षा कीजिए। नारिश्वामृत भूतासु संसक्तात्म हरिर्विभो पाताले तिष्ठति दाने प्रमुते ही विकारवान। हे विभो विकार से ग्रस्त होकर विष्णु जी अमृत से उत्पन्न स्त्रियों में आसक्ति चित्त होकर इस समय पाताल में स्थित हैं और उनके साथ स्थित हैं। नंदीश्वर उवाच। इत्थं बाहुस्तुतः शंभु ब्रह्माणा शशि निर्जलः लोक संरक्षणाय विष्णुरानयनाय च। नंदीश्वर बोले इस प्रकार लोक संरक्षण के लिए तथा पाताल से विष्णु को लाने के निमित्त ऋषियों सहित देवताओं तथा ब्रह्मा जी ने शिव जी की बहुत स्तुति की। ततः स भगवान् शंभु कृपा सिन्धुर् महेश्वरः तदुपाद्रवमाज्ञाय विश्वरूप बभूवः। तदनंतर कृपा सिन्धु भगवान महेश्वर शिव ने उस उपद्रव का वृत्तांत जानकर वृषभ का रूप धारण कर लिया। श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम विष्णु पद्रव वृषावतार वर्णनम नाम द्वाविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में विष्णु पद्रव वृषावतार वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।